इस बार मेले में बड़ी गजब गजब की चीजें आई हैं, तो आप लोग मेला बिल्कुल मिस मत करना, आना जरूर। पूरे मेले का सबसे ऊंचाई वाली जगह ये है और सबसे एंटरटेनिंग वाली जगह भी है। अभी तक आपने देखा 60 रुपए 50 रुपए हर माल, और अब दिखाने जा रहा हूँ आपको हर माल 10 रुपए में। खाने पीने के लिए डोमिनोज भी है, और अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये दुकान है हर एक माल 50 रुपए वाली। इतना सब कुछ देखते हुए जब बाहर की तरफ आप आ रहे होंगे, माघ मेले में आपके एंटरटेनमेंट के लिए खासा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर झूले, खाने पीने की चीजें और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए दिखाते हैं, और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का झूला और खाने पीने के लिए कितनी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा जादू भी। यहाँ पर एक सेक्शन है जादू का, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर क्या कुछ है आप देख सकते हैं। ये जो झूले हैं एक कतार में लगे हुए हैं यहाँ पर। अभी की मैं बात करूँ तो कम से कम 20 से 25 झूले यहाँ पर हैं, और एक बड़ा वाला झूला जो है सबसे बड़ा झूला मेले का यही है। और इधर खाने पीने के लिए आपका भी ख्याल रखा गया है, बच्चों के लिए खिलौने का ख्याल रखा गया है, और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा खाने पीने के लिए यहाँ पर दुकानें लगेंगी अभी। और अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ और एक एक झूला मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सामने जो है ये कार वाला झूला है, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक झूले हैं जो मोटर से चलते हैं। और उसके बाद एक कार वाला झूला आपको और दिखेगा, देखिए ये तीसरा, और आगे ट्रेन है ये वाली, ये ट्रेन का भी आप आनंद ले सकते हैं। और इधर भी एक ट्रेन है, बड़ी वाली ट्रेन, इसका नाम कुछ है बस मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम, बोलते क्या है इसको। फिलहाल आप ऐसा समझो कि ट्रेन वाला झूला है। और उधर है हेलीकॉप्टर वाला झूला, वो जो सामने दिख पा रहा, और एक बच्चों के लिए जंपिंग के लिए बनाया गया उधर वहाँ पर। और ये पूरा पीछे देख पा रहे हैं खाने पीने के लिए, भेलपुरी की दुकानें हैं, तीन और एक साथ लगे झूले हैं, और यहाँ पर ब्रेक डांस वाला झूला है जो कि बहुत ही अनोखा झूला होता है, और ये पूरे मेला क्षेत्र का सबसे बड़ा झूला। इधर एक और कार का झूला मिलेगा आपको, और यहाँ पर जंपिंग वाला आपको फन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। पूरे मेले का सबसे ऊंचाई वाली जगह ये है और सबसे एंटरटेनिंग वाली जगह भी है। रात को ये झूला पूरा है लाइटिंग से सज जाता है, और बहुत खूबसूरत लगता है जब ये चलता है तो। और ये चल रहा है जनरेटर से, सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पर जनरेटर भी लगा है, उसी के माध्यम से रन होता है। इधर एक बोट वाला झूला है जो बोट के जैसे ऐसे ऐसे ऐसा करता है लेफ्ट राइट की तरफ। और इधर देखिए ये बच्चों के लिए खिलौने और इधर उधर झूले लगे हैं, अभी चल के आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल आप एक रो में देखिए, ऐसे कई सारी रो है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से खिलौने आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सामने बन रहा है अंडर वाटर फिश टनल एक्वेरियम, तो ये बड़ा ही नई चीज़ यहाँ पे बन रही है, और मुझे लग रहा है शायद फर्स्ट टाइम यहाँ पे बन रहा होगा, पिछली बार तो ये नहीं था। और ये बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ हैं ना, ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा जब यहाँ पर लग जाएगा। तो अंदर चलो आपको चल के दिखाते हैं क्या कुछ काम चल रहा है अभी, और कितना काम हो चुका है। ऑक्टोपस के अंदर से आपको ऐसे जाना पड़ेगा, और ये देखिए एक्वेरियम बने हुए हैं अंदर, और अभी बन रहा है। हाँ अभी बन रहा है, देखिए ऐसे छोटे छोटे एक्वेरियम है यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे एक्वेरियम बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, भगवान विष्णु की मूर्ति भी है, और क्रोकोडाइल जैसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरटेन करने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए वो है सामने भगवान विष्णु की मूर्ति, और वो एक मूर्ति है, और इसके पीछे क्रोकोडाइल रखा हुआ है, ऑक्टोपस रखा हुआ है, वो देखिए उधर रहा ऐसे। ये देखो यहाँ पर अभी ऑक्टोपस ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें पानी भरा जाएगा और ये चार्जेबल होगा, इसका टिकट आपको लेना पड़ेगा। देखिए बड़ा सा एक डाय, बड़ा सा एक यहाँ पर मगरमच्छ भी है, और ये भगवान विष्णु की मूर्ति जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, और बड़ी बड़ी हाथी है यहाँ पर। ये सब बनाया जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत लगेगा जब बन जाएगा ये। ये देखो बनेगा ऐसा एक्वेरियम जैसा कांच का, और चारों तरफ से पानी भरा जाएगा। इस बार मेले में बड़ी गजब गजब की चीजें आई हैं, तो आप लोग मेला बिल्कुल मिस मत करना, आना जरूर। ये कुछ बाहर का नज़ारा देख रहे हैं आप परेड ग्राउंड का, और यहीं पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अभी ये सब चीज़ें तैयार हो रही हैं, जब तैयार हो जाएंगी तो बहुत गजब की लगेंगी, और उम्मीद है कि मौनी अमावस्या के बाद ये सब चीज़ें
तैयार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी काम चल रहा है, ये सब लोग काम कर रहे हैं अभी। बस 25 तारीख 26 तारीख तक के आसपास जब आप आएंगे उसके बाद तो ये सारी चीज़ जो है आपको एकदम सुचारू रूप से चलती हुई मिलेंगी। छोटी मोटी दुकानें कई सारी यहाँ पर लगने वाली हैं जो शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है। और इधर की तरफ भी देखिए, यहाँ पर झूलों की भरमार है, इतने झूले हैं कि आप समझ लो झूले के जो शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है। मेले में महिलाओं के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं के कई सारे सामान मिलेंगे। हर एक माल 60 रुपये, बच्चों के खिलौने हैं जो 60 रुपये में आपको हर एक माल मिलने वाला है। हॉरर के शौकीन है तो हॉन्टेड हाउस भी बना हुआ है और अभी ये बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। और उसी के बगल आपको जादू दिखाया जाएगा। इसका टिकट कितने का है आपको मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्लास टिकट 70 रुपये की, सेकेंड क्लास टिकट 50 रुपये की मात्र। और अभी इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल क्या कह सकते हो, सेकेंड स्टेज में होगा ये। अंदर चेयर वगैरह लगी है, स्टेज वगैरह तैयार है, लेकिन फिर भी अभी स्टेज पर कुछ काम करने को बचा है जो चल रहा है। तो इस मेले का एंटरटेनमेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जरूर बताते रहें। अभी बहुत कुछ है जो आपको दिखाना है, चले बढ़ते हैं आगे की तरफ। जादूगर के ठीक सामने लगा हुआ ये वाला झूला जो आपको ऊपर की तरफ से लेके जाएगा फिर नीचे की तरफ लेके आएगा। वो बात अलग है कि मोहाली में पिछले कुछ साल में एक जो एक्सीडेंट हुआ था जो बहुत खतरनाक हुआ था, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है ना। वहाँ भी एक जो है ट्रेन जैसा झूला है और इधर पूरे आज जो है झूले का प्रांगण है, इधर भी झूला है और इधर भी झूला है। यह तो लाइन से पूरे के पूरे झूले लगे हैं। ये भी मुझे लग रहा है ये झूले इधर वाला ऐसे ऐसे झूलता है और ये तीनों बेसिकली ऐसे झूले, इनको कुछ बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट उसका वर्ड नहीं आ रहा अभी माइंड में। और ये वही ब्रेक डांस वाला, उधर भी ट्रेन वाला, ऐसे झूले यहाँ पर हैं। झूले को वैसे इंग्लिश में कहते हैं कोलंबस, अभी पूछने पे पता चला हमें। और ये वाला है पेंडुलम झूला जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये भी बहुत खतरनाक झूला होता है, जिनको हैबिट नहीं है उनके लिए भाई साहब बड़ा खतरनाक है। और देखो यहाँ पर ये सारे झूले जो हैं अभी बनाए जा रहे हैं, ये सब अभी काम चल रहा है। अब देखो मेला अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। देखो यहाँ पर डिजाइनिंग वाले कप जो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, आप अपने घरेलू इस्तेमाल के ले जा सकते हैं। कई सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, देखो कांच की ग्लास है और बहुत कुछ है, प्लेटें हैं, देखिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शॉपिंग करने का शौकीन है तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बड़ा ही मज़ेदार अनुभव देने वाला है। देखिए 50 रुपये 60 रुपये हर एक माल ऐसे करके यहाँ पर चीज़ें हैं। दुकान के बाहर ये छोटी छोटी डिजाइनिंग वाली चीज़ें जो हैंडक्राफ्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगी, लोकल फॉर वोकल, करेक्ट। छोटी छोटी रिंग भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी है। ये दुकान है हर एक माल 50 रुपये वाली, ऐसे कई दूर तक दुकानें हैं। और इधर देखो अभी यहाँ पर दुकानों काम चल रहा है, ये सारी दुकानें भी लगनी है। 25 के बाद जब मैं यहाँ पर एक बार विजिट करूँगा ना फिर आपको दिखाऊँगा कितनी गजब की दुकानें सज चुकी हैं। और इधर देखो ये सारी दुकानें लगनी है और इधर दुकानें लग चुकी हैं। देखो पूरे मेला क्षेत्र में आपको बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है। अभी तक आपने देखा 60 रुपये 50 रुपये हर माल, और अब दिखाने जा रहे हैं आपको हर माल 10 रुपये में। देखो ये सारा आइटम 10 रुपये का है, कोई भी आप एक आइटम ले सकते हैं 10 रुपये में। इतना सब कुछ देखते हुए जब बाहर की तरफ आप आ रहे होंगे तो आपको दो झूले और देखने को मिलेंगे, और ये झूले बहुत बड़े हैं, पेंडुलम और ये सर्कल वाला झूला कोई सा तो है, बहुत तगड़ा झूला है। तो आप अभी तक प्रयागराज का ये माघ मेला घूमे हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और हाँ नहीं घूमे हैं तो जरूर विजिट करें यहाँ पर एक बार। ये बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे बड़ा इस पर मजे करते हैं। देखो खाने पीने के लिए डोमिनोज भी है, और अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर बर्गर, आलू की टिक्की, आइसक्रीम, भेलपूरी, डोसा, समोसा, फुल्की, चाट जैसी कई सारी चीज़ें हैं, और बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था भी है।
अगर आप तीरंदाजी के शौकीन है तो आपका इसमें भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आप निशाना लगाए बंदूक से और इनाम पाए। ये बंदूक है, इसी से फोड़ा है। यहाँ पर हिसाब किताब कई बार गड़बड़ हो जाता है काउंटिंग का। ये मेन रोड जहाँ से आप प्रवेश और निकास लेंगे, और राइट साइड में आपको ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, और लेफ्ट साइड में आपके भी कई सारी दुकानें हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की, शॉपिंग की, रेलगाड़ी की टिकट लेना है आपको, डाक पार्सल करना है, जैसी कई सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बाइक, कार, जिस भी साधन से आए उसको पार्किंग में ही खड़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी परेड ग्राउंड में आगे की तरफ पार्किंग है। अगर आपको नहीं पता कहाँ पर है तो जो मैंने इससे पहले वीडियो पब्लिश किया आप वो जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं।